अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत बड़ी आज खुशखबरी है, समझ लीजिए। आप लोग को हम बताना है, बताएं कि नहीं बताएं, तो चलिए बता देते हैं। आप लोग ने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा, आप लोग को पता ही चल गया होगा। चलिए बता देते हैं, हम जा रहे हैं मक्का उमरा करने के लिए। टिक 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 बहुत खुश है, कसम से जिंदगी में पहली बार इतनी हमें खुशी मिली है। आप लोग दुआ करिए कि अच्छे अच्छे से पहुंच जाए। रात में मामा बाबा ने फोन करा मेरे पास, कहीं कहाँ हमने रूम पे है, कहीं आओ गए, कहीं जाओ अपनी तैयारी करो, जाओ उम्रा कराओ। अभी उनके लड़के की स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो हमने कहा चलिए ठीक है जाते हैं। तो अभी यहाँ पे 10 बज रहा है और अभी हम सो के उठे हैं, जा रहे हैं नहाने की तैयारी करते हैं, फिर जाते हैं वीजा लेने। तो आइए चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं, रास्ते में नहा धो के तैयार हो जाए, फिर आप लोग से मिलते हैं। चलिए आइए। गाड़ी स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम जी, नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं वीजा ऑफिस। कसम से आज बहुत खुश हैं हम। अच्छा, आप लोग दुआ समझ करिएगा में आ मेरे रहा है। सारे काम अच्छे अच्छा अच्छे से हो जाएं। वीजा ऑफिस जाते हैं, देखते हैं वो कब का टिकट देते हैं, पता चलता है फिर हम आप लोग को बताते हैं आगे। मामा बाबा ने हमें फोन करके समझ लीजिए खुश कर दिया। हम सोचते थे कि वो लोग अच्छे नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने में टाइम लगता है एक दूसरे को। वो भी हमें अब बहुत मानते हैं, चाहते हैं वो लोग भी, तभी तो हमको वो लोग इंडिया नहीं जाने देते हैं कि तुम यहीं रहो। अब बताइए, हम इंडिया नहीं जाएंगे, मेरी भी फैमिली है, वो लोग भी, मेरा भी इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे। क्या करें बताइए, हम अपने आप को दो कर लें, एक इधर छोड़ देते हैं अपने आप को, एक उधर छोड़ देते हैं। अभी एक वीडियो हमने डाली भी थी अपनी जुड़वा वाली, काश ऐसा होता हम इधर छोड़ के आ जाते, वहाँ अजान भी हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है। यहीं पे घर के पास ऑफिस बना हुआ है, वीजा ऑफिस जाते हैं, देखते हैं। बहुत मानते हैं इन लोग, चाहते हैं, इन लोग 7 भाई हैं, 7 लड़के हैं उनके, सब लोग चाहते हैं हमसे। बहुत मजाक करते हैं, कोई लंबू कह के बुलाएगा तो कोई हबीबी कह के बुलाएगा। एक तो जैसे सुबह होती है फोन कर देते हैं कि ले चाय रखिए, चाय पियो, चाय पी लो। एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। अब हम भी उनको नहीं समझ पाते थे, वो भी हमको नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब एक दूसरे को समझ गए, मानने लगे हैं, चाहने लगे हैं। बोलते हैं मेरे 7 लड़के नहीं 8 लड़के हैं, जिसान भी मेरा लड़का है। बताइए लड़के जैसे मानने लगे वो लोग, और क्या चाहिए। तो चलिए ऑफिस आने वाला है, फिर आप लोग से मिलते हैं काम होने के बाद, फिर देखते हैं कि कब का टिकट हुआ है, कब जाना है हमें, फिर आप लोग को बताते हैं। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे और आप लोग को अच्छा से अच्छा दिखाना है, दिखाएंगे, मक्के की जियारत कराएंगे इंशाल्लाह, मक्का मदीने की। तो चलिए काम होने के बाद मिलते हैं आप लोग से। आप लोग की दुआओं की वजह से मेरा काम हो गया है, 2 बजे हम आ गए थे रूम पे, मेरा काम हो गया था, सोमवार का टिकट हुआ है। और भी आप लोग दुआ करिए कि आगे का भी सफ़र मेरा अच्छे से कट जाए, और जो मेरे मामा बाबा हमें भेज रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी अच्छा रखे, सलामत रखे। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते थोड़ी हम जा पाते। और आप लोग भी अच्छे रहें, आप लोग को भी अल्लाह सेहत दे। हमने अचानक से मेरा बन गया जाने का, वरना हमने सोचा थोड़ी था कि जा पाएंगे, अचानक से बाबा ने कहा कि जाओ। अल्लाह पाक मेरे मामा बाबा को अच्छा रखे, उनकी हिफाजत करें और उनको ताकत और हिम्मत दें। आप लोग को भी अच्छा रखे अल्लाह पाक। हमने अब वहाँ से बुलावा आ गया था अल्लाह के घर से, हो गया मेरा काम, क्योंकि हमने नोटिस करा है बड़े से बड़े पैसे वाले लोग
सऊदी, और सऊदी में बिजनेस करते हैं, सऊदी में जाते हैं, लेकिन उन लोग को उमरा हज नहीं वो लोग कर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनको बुलावा ही नहीं देता है। और हमने गरीब से गरीब लोग को देखा है, 10 10 20 20 रुपए जोड़ के बेचारे लोग, उन लोग उम्रा कर लेते हैं क्योंकि अल्लाह उनको बुला लेता है। ये भी बात सही है, जब तक बुलावा नहीं आता है जब तक कोई जा नहीं सकता है। अल्लाह के घर से हम कितना खुश हैं, आप लोग को हम क्या बताएं, बहुत खुश हैं हम। अल्लाह पाक मेरे मामा बाबा को अच्छा रखें, उनके बच्चों को अच्छा रखें, उनकी हिफाजत करें। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते हम नहीं जा पाते। और आप लोग को भी अल्लाह अच्छा रखे। और सऊदी वाले भाइयों से कहना चाहेंगे, हमारे हैं भाई लोग सऊदी, जिनको मिलना है आके मिल ले हमसे। 2 दिन मदीना में रहेंगे, 1 दिन मक्का में रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे, आप लोग भी अच्छे से अच्छे रहें। अल्लाह पाक हम कितना खुश हैं, हम खुद जाहिर नहीं कर पा रहे कि हम कितना खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि इतनी खुशी हमें आज पहली बार मिली है, कभी इतनी खुशी हमें नहीं मिली। अब ज़्यादा करेंगे तो रोने लगेंगे, बस यही करेंगे। आप लोग मेरा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो में बने रहिए। आगे और आप लोग को दिखाएंगे, मदीना मक्का का जियारत कराएंगे आप लोगों को। तो चलिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। माँ सलाम, अल्लाह हाफिज़। सोमवार का टिकट है मेरा, भूलिएगा नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।